तो कैंप पे रखने के लिए आपसे कुछ पैसे वैसे लिए? नहीं, पैसे उसे तो लिए नहीं है, मगर इसमें बहुत सारे बोलते हैं कि पैसे लगता है ये सब, तो गलत बात है जो नहीं। देखिए, कोई भी काम में मेहनत तो है, मेहनत करना पड़ेगा, समझ लो। कि बहुत सारे गोरेगांव में हैं, बहुत सारे कंपनी, आप खोजोगे तो सुई का धागा भी, सुई भी मिल जाता है। सारे बोलते हैं जूनियर में पैसे फंसते हैं, पैसे तो फंसते हैं जूनियर में, पैसे लेकिन सीखने को मिलता है। हाँ, सीखने के लिए मिलता है। हम लोग एक लोकेशन पे आए हैं, ये देखिए, ये मुंबई का एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, जहाँ पर एक बंगलो है, मेरे पीछे बंगलो देख रहे हैं। यहाँ पे हम एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और वहीं पर ये हमें मुलाकात हुई और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि इनको 4 महीना हुआ। तो ये काम कैसे मिला, कैसे इनमें जो है कि ये सब वहाँ से मुंबई से सोच कर आए और 4 महीने में इन्होंने काम पाई, ये जानने की कोशिश करते हैं इनसे। तो बहुत बहुत स्वागत है बादल जी हमारे दर्शकों के, आपको ये देख रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। पहले तो मैं सब दर्शकों के नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली बिहार से हूँ, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अच्छा। मैं हैदराबाद काम कर रहा था, हैदराबाद से मैं अचानक मेरे को मन किया मुंबई आने का। मैं काम कर ही रहा था। क्या काम कर रहे थे वहाँ पे? मैं वहाँ पर जैसे कि बिजनेस कर रहा था। अच्छा, एक बिजनेस कर रहे थे, तो फिल्म इंडस्ट्री में आने का वहाँ कैसे? वहाँ से मेरे को अचानक आया कि नहीं, इसमें मेरे को लाइफ नहीं है, थोड़ा लाइफ या करियर बनाना, तो मैं मुंबई चलता हूँ, अगर फिल्म दुनिया में जाना है तो। तो मैं अचानक वहाँ से अपना गाड़ी पकड़ के और आ गया, किसी से जान पहचान नहीं थी मेरे को। अच्छा, मुंबई में? हाँ, किसी से जान पहचान नहीं थी, ना मेरा कोई था। मेरे को मकसद था कि मेरा फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। अच्छा, अगर कोई मतलब फिल्म इंडस्ट्री में कोई आपका जान पहचान नहीं, कोई दोस्त यार कोई भी नहीं? फिल्म इंडस्ट्री में तो छोड़ दीजिए, मेरे को तो यहाँ तक मुंबई में किसी कोई पहचानता नहीं। वही तो, फिर हाँ, तो फिर वहाँ से आप जो है हैदराबाद से निकल के मुंबई आ गए। हाँ, तो मैं मुंबई आया तो अब किसी से पहचान नहीं है, तो अचानक कोई तो रखेगा नहीं। मैंने काम की नहीं है मुंबई में, अगर काम करने वाला हो तो काम की नहीं है मुंबई में। मैंने ज्यादा रहने की समस्या। अच्छा, रहने की समस्या। तो ये जानना चाहता हूँ कि आप हैदराबाद में थे, फिर मुंबई आने का सोच रहे थे, तो मुंबई आने के सोचते समय ऐसे मतलब झोला उठाए चल पले, या फिर आप मुंबई में कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे काम मिलेगा अभी फिल्म इंडस्ट्री का काम? नहीं सर, वो तो सर आपका मैं वीडियो देख रहा था, मेरी वीडियो देखी आपने, देखते 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 एक मनोबल बढ़ा अपने, हौसले वाले ऐसे वीडियो कुछ कुछ बनाए कि दिल में मेरा हौसला या नहीं, अगर मुंबई जाएंगे तो काम करने वालों के काम की जगह है, मिल सकता है। वो तजुर्बा होना चाहिए, मायने डिग्री के नहीं होता, मायने तजुर्बा का होता है सर। तो वो वीडियो देखा आपने और वो यहाँ पर आए? हाँ, मैंने देखा, थोड़ा मन का तसल्ली मिला और मैं वहाँ से चल दिया और मैं आया मुंबई में। तो अंधेरी जैसा शहर में मैं स्टेशन पर 4 दिन, अंधेरी जैसा मतलब अंधेरी में, अंधेरी के स्टेशन पे, स्टेशन पे दादर से मैं चल के अंधेरी में आया, तो क्योंकि मेरे को मालूम था कि अंधेरी में बहुत सारे फिल्म शूटिंग होते हैं वहाँ। तो स्टेशन पे रहे आप कई दिनों का? हाँ, स्टेशन पर रहे वहाँ पे। कितने दिन तक रहे आपने स्टेशन पर? 3 दिन रहे होंगे, 3-4 दिन ऐसे कुछ रहा स्टेशन पे। मैं वर्षवा तरफ इंटरव्यू बोलता है कि देते हैं, तो उधर मतलब जाएं कि मतलब वो कोई मिले तो हम भी इंटरव्यू देंगे, चाहे किसी से बात विचार करेंगे, अपना दिमाग लगाने लगे। और रूम नहीं था, मगर रहते रहते किसी किसी से बातचीत हुआ, फिर आन के मैं गोरेगांव में सेटल हो गया। अच्छा, गोरेगांव में कैसे पता लगा आपको कि वहाँ लाइट के मतलब अभी आप किस में काम कर रहे हो? मैं तो अभी लाइटमैन में काम कर रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पैसे के भी लेके कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काम वहाँ पे मिलता है, वो कैसे पता चला गोरेगांव में? भाई मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि गोरेगांव वेस्ट में मोतीलाल नगर में लाइट के रेंटल हाउस बहुत सारे बड़े बड़े हैं, बहुत सारे हैं ना, अभी बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे। तो आप जब वहाँ पर गए तो आपको मतलब काम मिलने में मतलब कि तकलीफ हुई या तुरंत मतलब काम मिल गया आपको? नहीं, तकलीफ तो हर चीज में होती है, मगर अगर आप चाहोगे तो सब कुछ के। लेकिन आप जब गए तो क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ तो मैंने एक फ्रेंड मेरे को बोला, वो यूपी के रहने वाले थे, जिसका नाम अनिल कुमार था, उन्होंने बोले कि ऐसी ऐसी बात है तो आप ये काम करो, कि बहुत सारे गोरेगांव में हैं, बहुत सारे कंपनी, आप खोजोगे तो सुई का धागा भी, सुई भी मिल जाता है, तो वो काम कौन बड़ी बात है, आप खोजो काम। तो मैं गया, बहुत सारे कंपनी में गया, बात किया, तो एक मैनेजर ने मिले, उन्होंने बोले कि ठीक है आप नंबर दे दो, आप काम नहीं किए हो तो अच्छा से काम करना, मैं काम पे रख लेता हूँ। अच्छा, उन्होंने फिर काम पे रखे, बाकी बाद मैं मुंबई से आया नासिक में और अभी नासिक में लाइट। अच्छा, मतलब कि आप वहाँ पहुँचे और अच्छा, जब उन्होंने अपना आपको जब बोला कि आप अपना जो है अपना नंबर वगैरह दे दो, तो काम पे रखने के लिए आपसे कुछ पैसे वैसे लिए?
नहीं पैसे उसे तो लिए नहीं है, मगर इसमें बहुत सारे बोलते हैं कि पैसे लगता है ये सब, तो गलत बात है। जो पैसे लेके काम, आप सभी पैसे पैसे लेके काम नहीं दिया नहीं आपको। सर पैसे लेके और एक चीज जानना चाहता हूँ, उन्होंने बोला था कि कार्ड होना जरूरी है, ये भी बोला था उन्होंने? नहीं नहीं नहीं, काम करने के लिए कार्ड के कोई जरूरी नहीं। देखो भाई बादल जो है, मैं ऐसे लोगों से आपको इसलिए मिलाता हूँ कि आप लोग जो बैठे बैठे मेरा वीडियो देखते हो ना, तो आप लोगों को लगता है, या कोई अगर आपको ऐसे कोई दोस्त यार मिल जाता तो वो कहते हैं कि भैया देखो उन लोगों को तो काम देना नहीं रहता है, बस वो खाली आप लोगों को गलत जो है सलाह दे देते हैं, कहते हैं कि भैया वहाँ पर तो पैसे लगते हैं काम के, या वहाँ पर जो है कार्ड लगता है। तो ये देखिए बादल बता रहे हैं आपको, सच्चाई बता रहे हैं, मेरी वीडियो इन्होंने भी देखी है और आज भी ये वीडियो में आए हैं हमारे, तो आप लोगों को कुछ बताने आए हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं। तो कार्ड के लिए मतलब कार्ड के लिए नहीं बोला गया, और आपको काम दिलाने के लिए कोई पैसे नहीं मांगे गए, और उसके बाद आपको थोड़े दिन के बाद काम मिल भी गया, और आज ये पिछले 2 से 3 महीने हो गए हैं इस नासिक के इस स्टूडियो में ये आराम से काम कर रहे हैं, और पगार वगैरह भी मिल रही है। हाँ, बीच में खर्चा ना मांगने पर भी मेरा इंचार्ज देता है, इंचार्ज बहुत अच्छा है, मैं तो सोचा नहीं था लेकिन इंचार्ज बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर काम जो है, ये जो लाइट मैन का काम है, जैसा आप सोचते थे वैसा है या उसमें और ज्यादा मेहनत है इसमें? नहीं देखिए, कोई भी काम में मेहनत तो है, मेहनत करना पड़ेगा, समझ गए ना। अगर मेहनत से आज डर गए ना, तो कल के डेट में वो नींबू की जिंदगी हो जाएगा, जो कि निचोड़ के बिक जाते हैं। बराबर, नींबू में रस रखते रहता है ना, तो क्या है कि रखेंगे आपको पास, बाकी रस नहीं रहेगा तो वो बिक देंगे, बिक देंगे। तो भैया मेहनत का काम है इसका, मतलब ताकत का काम है। लाइटमैन में तो थोड़ा मेहनत है, नहीं तो मेरे पास लाइटमैन। अच्छा, मैं बहुत सारे लाइटमैन हमारे जो दर्शक वो बनना चाहते हैं, वो सोच रहे होंगे कि भैया पूछ लो पढ़ाई वढ़ाई कितनी की है आपने? नहीं पढ़ाई मायने पढ़ाई नहीं रखता, कम की है आपने? हाँ, मायने तो मेरे पढ़ाई इन्होंने कम की है, लेकिन मेहनत का काम करते हैं ये पूरे सेट पे। मैंने अभी देखा आवाज़ खाली देते रहते हैं, बादल बादल बादल, यानी सबको इनको मतलब सारे जितने टीम है, कैमरा टीम के लोग हैं उनको याद रखते हैं, इनका नाम याद रखते हैं, पूरे सेट पे नाम आता है, बादल ये कर दो, बाबर बादल कटर स्टैंड, अगर 1 घंटा अगर गायब हो जाए ना कहीं पे, या 10 मिनट के लिए गायब हो जाए, तो भैया अभी हाहाकार मच जाएगा, हमने इनको वहाँ से उठा के यहाँ लाया आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, अभी वहाँ पे सेट पे चालू होगा, इनका नाम हड़कम मची होगी, कहाँ गया कहाँ गया। तो भैया यही यही आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग अगर काम करना चाहते हैं तो भैया ईमानदारी से आइए। और इस और महाराष्ट्र कैसे आपको लग रहा है, अच्छे लोग हैं कि नहीं महाराष्ट्र के? क्योंकि आप तो यार बिहार से डायरेक्ट नासिक में आ गए, यहाँ तो हर लोग जो है महाराष्ट्रियन है, तो वो लोग कैसे, उनके बारे में बताइए जरा। सब बहुत सब लोग बहुत अच्छे हैं, मैं तो डायरेक्ट यहाँ पर सर मुंबई से ऐसे तो नहीं आया, मुंबई में जूनियर का भी काम किया। अच्छा, जूनियर में क्या क्या होता है वहाँ? हाँ, वहाँ पर भी काम किया, बहुत सारे बोलते हैं जूनियर में पैसे फंसते हैं, पैसे तो फंसते हैं जूनियर में, पैसे लेकिन सीखने को मिलता है। हाँ, सीखने के लिए मिलता है, जब तक इंसान को ठेस ना लगे तो सीख कैसे। यानी आपने प्रॉपर ट्राई किया कि नहीं मुझे काम तो लेना ही लेना है? हाँ, जिद बना लिया। हाँ, मेरे को जिद, अभी हमारे यहाँ का सीरियल चालू हो रहा है, यहाँ का आर्टिस्ट जो मेन आर्टिस्ट है वो मेरे अपने भाई की तरह रखते हैं, कहाँ पर हो बादल, कैसे हो, और सब अच्छा तो है ना। अब मैं थोड़ा बहुत अगर चला जाता हूँ तो बोलते हैं बहुत अब बिजी हो बादल, तो लगता है बादल आने वाले समय में महाराष्ट्र की भाषा भी बोलने लगे, मराठी भी सीखने की कोशिश। हाँ, भाई सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया प्यार है मोहब्बत है, तो देखिए इसी तरह से आप लोगों को अगर आप यहाँ आते हैं तो प्यार मोहब्बत से रहिए, आपको काम मिलेगा, प्यार मिलेगा, पैसा मिलेगा, और जो है आप लोग जो है आगे तरक्की कर सकते हैं। तो चलिए, काम की तो सर कोई दिक्कत नहीं, अगर काम एक आध दो को अगर देना हो तो मेरे को संपर्क है, कभी भी अगर करने वाला हो इंसान तो कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, आप अगर करने वाला हो तब। हाँ, क्योंकि इमेज बनाने से बनती है, अगर बिगाड़ोगे कल के डेट में तो हम नहीं कर सकते। तो चलिए ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इनको खुद को काम मिला, और आज ये जो है एक काम दिलाने के लिए भी जो है इनको प्रेरित कर रहे हैं कि भैया लोगों को काम मिले, तो बहुत अच्छी बात कही बादल ने। तो चलिए बादल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक आने के लिए, हमारे लिए 5 मिनट समय निकालने के लिए। तो भैया ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तभी बादल के लिए लाइक दीजिएगा, इनके हौसले के लिए लाइक दीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका जाए। सबके आई लव यू, बाय।